नमस्कार, स्वागत है आपका। मिताक्षी गुप्ता ही आपको ले चलते हैं देश दुनिया की तमाम 25 खबरों। रूस यूक्रेन जंग का आज 55वां दिन। ब्लैक सी में रूस के सामने बड़े जंगी जहाज मस्कोवा की तबाही की झलक सामने। पाकिस्तान में इश निंदा के आरोप में श्रीलंकाई नागरिक प्रियांत कुमार की लीचिंग मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 6 लोगों को मौत की सजा, 7 अन्य आरोपी को उम्र। लद्दाख में चीन फिर बेलगाम। LOC से सटे हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर लगाए। भारतीय क्षेत्रों में निगरानी का खतरा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए CM योगी का बड़ा फैसला। धार्मिक जुलूस के लिए इजाजत जरूरी। लाउड स्पीकर की आवाज, धर्मस्थल से बाहर न जाए के निर्देश। IPL में रिटेन किए गए बड़े खिलाड़ियों का प्रदर्शन फीका। युवा अनकैप्ड इंडियन और विदेशी खिलाड़ी दिखा रहे दम। राजधानी भोपाल में जमहूरी मैदान में 22 अप्रैल को वनोपज तेंदूपत्ता संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। भोपाल जेल के DG अरविंद कुमार की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। भोपाल में VIP रोड पर ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। भोपाल में प्यार का दुश्मन बना भाई। बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखने पर लोडिंग गाड़ी चढ़ाई। बचने पर प्रेमी जोड़े को पिटाई। इंदौर के पास हथौद में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। बिना बताए करीब 1 किलोमीटर दूर तालाब में गए थे नहाने। बिहार में अपराधी बेखौफ। पटना के दानपुर में 5 बहनों के बीच एकलौते भाई को आरोपियों ने गोलियों से भूना। UP में BJP विधायक रहे सपा नेता के घर बुलडोजर चलने गए। 15 दिन का आयोजन। 3 मई को पूरे महाराष्ट्र में मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाकर आरती करेगी राज ठाकरे की पार्टी MN। दिल्ली के हिंदू संगठन कर रहे दावा, हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुर में शोभा यात्रा के लिए उन्होंने ली थी अनुमति। गुजरात में PM मोदी ने बनासकांठा में डेयरी परिसर का किया लोकार्पण। दिल्ली हिंसा पर बोले शिवसेना नेता संजय राउत, MCG चुनाव के चलते दंगे का माहौल बनाया जा रहा। भारत में फिर कोरोना की दस्तक। नोएडा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मामले आए सामने, इनमें 33 बच्चे पॉजिटिव। अमेरिका में कोरोना गाइडलाइन में छूट, अब उड़ानों ट्रेनों पर मास्क अनिवार्य नहीं। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश में 4 मई तक सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द, सरकार ने जारी किया नया आदेश। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नवजात बेटे की मौत, ट्विटर पर जानकारी। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में तेज किए हमले, दोनों देशों की सेनाओं में संघर्ष जारी। ज़ेलेंस्की बोले हम लड़ेंगे, करेंगे अपनी रक्षा। रूसी हमले के बीच यूक्रेन के सभी इलाकों में रेड एयर अलर्ट जारी। रूस ने शुरू किया दूसरे चरण का हमला। मध्य प्रदेश के जबलपुर में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मिमिक्री करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विभिन्न धाराओं में केस। IPL के भगवान कहे जाने वाले ललित मोदी की कंट्रोवर्सियल जिंदगी पर फिल्म बनाएंगे विष्णु वर्धन इंदु। ICSI ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरू। उम्मीदवार 15 जून तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए मांगे आवेदन। कैंडिडेट 30 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।